मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर हम आप अपने प्रिय दर्शकों का स्वागत करते हैं। मित्रों दिव्यांगम चैनल का एक उद्देश्य रहा है, एक सरोकार रहा है कि हम दिव्यांगों की वेदनाओं को सार्वजनिक करें, दिव्यांगों की जो खुशियां हैं उनको भी हम आपके सबके बीच में बांटें, दिव्यांगों के जो दर्द हैं उसमें भी हम संवेदनशील हों। और दिव्यांगों की जब दर्द और संवेदनाओं और खुशियों की बात होती है तो हमको सबके पास जाना पड़ता है, सबसे बात करनी पड़ती है। हमारा दिव्यांगम चैनल आपके द्वार इस कार्यक्रम के तहत हम आज आपको मिला रहे हैं एक ऐसे विभूति से जो हमेशा दिव्यांगों के संकट में, दिव्यांगों की परिस्थितियों को सरकार के सामने लाने में हमेशा अग्रसर रहे हैं। और मैं उनसे परिचय कराने से पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उन्हीं से आपका परिचय कराने का प्रयास करता हूं। आप पूरा परिचय, आदरणीय गिरी जी आप अपना पूरा परिचय बताइए। सर्वप्रथम तो आप हमारे यहाँ आए इसके लिए कोटि कोटि आभार, और मैं आपका अभिनंदन खुद करता हूं। मेरे घर आप आए हैं, यहाँ आपका छोटे भाई का घर है, और आपने जो ये मान दिया, ये हमारे लिए इतने अच्छे शब्दों का जो प्रयोग किया, निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। ये सच है कि संघर्ष में हमारा, संघर्षों से हमारा काफ़ी बचपन से ही वास्ता रहा है। और सबसे पहले मैं परिचय की बात कर रहा था, मैं वासुदेव गिरी मेरा नाम है, बिहार राज्य के छपरा जनपद के माझी एक छोटा सा कस्बा है, उसके पास का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ आज से 5 साल पहले तक बिजली नहीं आई थी। ऐसे पिछड़े इलाके का मैं रहने वाला हूँ। वहीं पर एक अंधविद्यालय था, सेवा सदन अंधविद्यालय करके जी, जो अनाथालय भी था और अंधविद्यालय भी था, जैसे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के सौजन्य से चल रहा था वो। उसी में मैंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद जब मुझे ये लगने लगा कि मेरा यहाँ पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा, यहाँ मुझे सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, तो मुझे थोड़ा दिखाई भी पड़ता है, तो इसलिए एक ऐसे स्कूल की तलाश थी हमें जहाँ ऐसे लोगों को पढ़ाया जाता हो जिनको कम दिखाई पड़ता है, यानी कि जो ब्लाइंड भी ना हो टोटली, और यानी ब्रेल पद्धति से पढ़े बिना भी थोड़े से असिस्टेंस, थोड़े से सहायता, सहायक उपकरण के साथ जिनको कम दिखाई पड़ता है उनको पढ़ाया जाता हो। क्या बात है, मतलब है आप ये आपकी इच्छा थी कि हम ब्रेल लिप पे ही पूर्णतया निर्भर न रहें, हमको सामान्य लिप का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए जी, और हम लोगों के साथ सामान्य रूप से एकीकृत हो जाए, समावेशी स्वरूप धारण कर सके। तो भारत में एकमात्र विद्यालय राजपुर और देहरादून में है जी, जो राजकीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान NIBH के अंडर में पढ़ता है, और स्कूल फॉर पार्शियली साइटेड चिल्ड्रन नाम से उस विद्यालय का नामकरण किया गया था, जो मॉडल स्कूल फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन के साथ अटैच होकर चल रहा था जी। और वहाँ हम लोगों को लेंथ, टॉर्च युक्त लेंथ, इस तरह की चीज़ें दे करके और साइटेड किताबों में ही हमें पढ़ने की व्यवस्था की जाती थी। हम बड़े बड़े अक्षरों में लिखते थे, बड़े बड़े अक्षरों में हमको लिख के दिया जाता था, इस तरह से हमने पढ़ाई की। पढ़ाई का स्तर वहाँ मतलब एशिया का, अपने अपने समय का एशिया का माना जाना इंस्टीट्यूशन माना जाता रहा है डाइनों के लिए। राजपुर रोड पे अभी भी स्थित है, मध्य प्रदेश नहीं, राजपुर रोड देहरादून में है, देहरादून वहाँ पर तब हमारा स्कूल होता था राजपुर में, प्रॉपर राजपुर में, अब राजपुर रोड पे शिफ्ट हो गया है क्योंकि बिल्डिंग हमारी वो प्राइवेट थी। तो वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद वहाँ हाई स्कूल मान्यता नहीं था, वहाँ हम लोग प्राइवेट से फॉर्म भरते थे, 8वीं तक पढ़ाई होती थी स्कूल में, इसके अलावा 8वीं के बाद की पढ़ाई हमें स्कूल कराता तो था लेकिन फॉर्म हमें कहीं और भरना पड़ता था। तो सबसे पहली जो कठिनाई आई, सारे साधनों के बीच पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं था, ना कपड़ा धुलना था, ना मतलब जो है सारी सुविधाएं हमें सरकार दे रही थी। क्या बात है, बावजूद इसके अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे हाई स्कूल में 51% मार्क्स है। अच्छा, इसके पीछे सबसे सबसे बुरी स्थिति क्या हुई, मतलब आज भी उन पर मतलब इतना ज्यादा हमारी स्टडी रही है उस समय भी कि आज
करीब 40 साल बाद भी आप अगर उनमें से कोई पन्ना पलट के पूछे कि ये कहाँ से लिया गया तो मैं बता दूंगा, बावजूद इसके मेरी 51% मार्क्स हैं स्कूल में। क्यों? क्योंकि ऐसा था, सरकार का नियम यह था कि जो विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं होंगे और प्राइवेट से आप फॉर्म भर के पढ़ेंगे तो हमारे जो सूचलेखक होगा, जो हमारा लेखन सहायक होगा, उसके 9th क्लास में बिलो 45% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, यानी थर्ड डिविजन। जो सोचिए कि जो हाई स्कूल में थर्ड डिविजन का 9th क्लास का लड़का, वो खुद इसको दिल लिख नहीं पाएगा, तो हमें वो गलती की सजा मिली, उस गलती की सजा मिली जो गलती हमने की ही नहीं थी। क्या बात है, क्या बड़ा दर्दनाक है, बड़ी बड़ी। उसके बाद विचारणीय स्थिति, दूसरी स्थिति ये थी कि हमारे मॉडल स्कूल से जो लोग पढ़ के जाते थे वो सीधे BHU में पढ़ने जाते थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे वहाँ से ज्यादातर। लेकिन मेरी घरेलू स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं हॉस्टल में रह करके सारा खर्चा अपना BA करके और पढ़ पाऊँ। मेरे घर में इस थ्योरी के लोग थे कि बेटा अगर आपके लिए अगर मैं अलग खाना बनाया जाएगा तो एक पाव आलू में आप अकेले खाओगे और अगर 3 पाव आलू बनाएंगे तो पूरा परिवार खाएगा। तो इस कैलकुलेशन के लोग थे, इसलिए मेरे लिए पढ़ाई आगे की चला पाना एक बड़ी बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय, बड़ी कठिन परिस्थिति जी। इसी बीच क्या हुआ कि जब हमारा रिजल्ट आया हाई स्कूल का, उसके बाद यहाँ पर एक मूवमेंट चल रहा था राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के सौजन्य से, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का UP ब्रांच का ऑफिस है यहाँ लखनऊ में ही, वहाँ चल रहा था आंदोलन और उस आंदोलन में हम लोगों को बुलाया गया तो हम आए यहाँ पर। और 14 अगस्त 1981 को पहली बार हमने सरकार के अगेंस्ट 144 धारा तोड़ करके और लखनऊ जेल में बंद किए गए। आंदोलन चला हमारा, तब विश्वनाथ प्रताप जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनके जमाने में। आंदोलन सफल रहा और सरकार से हमारा ये समझौता हुआ कि क्योंकि 2% का विकलांगजन का जो आरक्षण है उस आरक्षण में दृष्टिहीनों का शेयर मिल नहीं पाता, तो सरकार तो विकलांगों के लिए सबको बड़ा सारे विकलांग बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ की समझ ही यही कि विकलांग मतलब OH, और वो भी शब्दों का भी खेल इतना भयंकर था, कभी अक्षम कहा गया, कभी अपंग कहा गया, कभी अंधा कहा गया, तो कभी तमाम दिक्कतें रहीं, सामाजिक दृष्टि से भी ह्यूमिलेट होते रहे हम लोग। उसके बाद उस आंदोलन के बाद सरकार से समझौता हुआ कि विभिन्न विभागों में 213 पद सृजित किए जाएंगे आपके लिए और आप लोग ओपन कंपटीशन में आएंगे, आपको सेवायोजन दिया जाएगा। और उसी के तहत उन्हीं 213 में से एक मैं भी, मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में डिस्पैचर पद पर नियुक्त किया गया। और आज किस पद पे हैं? आज मैं समीक्षा अधिकारी हूँ। 2016 से मैं समीक्षा अधिकारी हूँ, हालांकि मैं 2001 में समीक्षा अधिकारी हो जाना चाहिए था। यहाँ भी तमाम भेदभाव है, यहाँ भी आज भी हम गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट केस लड़ रहे हैं। क्या भेदभाव था कुछ थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। हाँ, बता रहे, ऐसा है कि देखिए जब हमारी नियुक्ति हुई तो हमारे लिए जो चिन्हांकित पद होते हैं वो पद सृजित किए गए और वहाँ विद्यमान नहीं था, तो जब सृजित किए गए तो हमें निस्संवर्गीय पद धारक बता दिया गया। जब CC में जो प्रमोशन होते हैं वो प्रमोशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सीनियरिटी होते हैं, जब हम सीनियरिटी लिस्ट में रखे ही नहीं गए तो जाहिर बात है हम डिस्क्रिमिनेट हुए प्रमोशन से। जबकि RPWD एक्ट में या PWD एक्ट के दोनों ही एक्टों में नॉन डिस्क्रिमिनेशन का एक बकायदा पोर्शन है, हमारे साथ कोई प्रमोशन में या किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए जी। नहीं तो उस ये RPWD एक्ट तो उसके बाद आया, जबकि ये आपका तो नहीं, सबको लगता है उससे पहले का होगा। नहीं, हमारा ऐसा है कि हम इसके खिलाफ जो है पहली बार बी सत्यनारायण रेड्डी जी जब राज्यपाल थे, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति शासन की अवधि थी, तो 12 मई 1993 को हमने एक मीटिंग उनके अध्यक्षता में हुई थी, सारे डिपार्टमेंट के लोग थे उसमें। उसमें हमने पहली बार ये बात उठाया कि जो पद चिन्हांकित है हमारे लिए उस पर हमें काम करने को मिलता है और वो पद निसंवर्गीय न कह करके संवर्ग में समाहित किया जाना जो है चाहिए और इससे प्रमोशन डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए क्योंकि भारतीय संविधान भी हमें इस बात की इजाजत देता है कि हमें समानता का अधिकार होना चाहिए जी। तो उस आधार पे एक जारी हुआ आदेश 19 मई 1993 को कि जब प्रमोशन के पात्रता सूची बनाई जाए तो उसमें दृष्टिहीनों को भी सम्मिलित किया जाए जी, बट वो मीनिंगलेस रहा क्योंकि कहीं सेवा निवारण में इंक्लूड नहीं हुआ। अच्छा,
इसलिए वो मिलेंगे सर। अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ बता रहे थे कि अभी वर्तमान में भी कुछ आप जहाँ पे कार्यरत हैं उस विभाग में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत क्या है? देखिए जो दिक्कत हमारी पुरानी थी वो अभी तक सॉल्व हुई ही नहीं है। सबसे पहले तो देखिए पीडब्ल्यूडी एक्ट के आर्टिकल 61 में ये व्यवस्था है कि अगर आप किसी समस्या से एग्रीव्ड होते हैं, आप किसी समस्या से परेशान होते हैं, तो उसके निदान के लिए एक आयुक्त कार्यालय दिव्यांगजन का आयुक्त राज्य आयुक्त होता है जी, उसके यहाँ हम प्रत्यावेदन दे सकते हैं जी। हमने 2 अगस्त 1999 को एक प्रत्यावेदन देके इस बात की शिकायत की कि हमारे डिपार्टमेंट में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, और तब पीएन लोही साहब कमिश्नर का काम देख रहे थे राज्य आयुक्त का, उन्होंने एक आदेश किया कि इनके प्रत्यावेदन पर पुनर्विचार करिए और इनको भेदभाव रहित व्यवस्था दीजिए, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। उसके बाद 2003 में हमने एक हाईकोर्ट में सूट फाइल किया और उस आदेश पर जो हमारे शिकायत थी उसके निराकरण के आदेश के अनुपालन ना होने के बाद हमारे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की उत्तर प्रदेश शाखा ने एक याचिका दायर की सचिवालय कर्मचारियों के भेदभाव रहित व्यवस्था बनाने के लिए। 29 मार्च 2007 को जजमेंट आया कि आपको 3 महीने के अंदर कार्यान्वयन करना है और समानता का अधिकार देना है जी। यह हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया 3 महीने के अंदर कार्यान्वयन होना था, 3 साल में कार्यान्वयन नहीं हुआ। फिर हमारा संगठन कंटेम्प्ट में गया, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को भी लोगों ने झूठ बोल करके और हार्ड करा दिया। उसके बाद हम प्रत्यावेदन दे करके और बार बार अनुरोध करते रहे कि समस्या के समाधान किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अवहेलना आया था, ये हाई कोर्ट के जजमेंट का अवहेलना आया, ये सारे चीज़ बताते रहे, कहते रहे, सुनते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अल्टीमेटली सरकार ने हमें विवश किया, हमारे डिपार्टमेंट ने, कि आप फिर से कोर्ट चले जाइए। हम दोबारा वही इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए अभी तक कोर्ट में हैं। किस कोर्ट में? हाई कोर्ट? हाई कोर्ट लखनऊ में। हाँ जी, हाई कोर्ट लखनऊ। और हमारे यहाँ सीनियर एडवोकेट हैं अमित बोस साहब, वो हमारा मुकदमा देख रहे हैं। हमने इंडिविजुअली कोर्ट के क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें कितना साथ देगा, तो हमें अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी से वो मुकदमा करना पड़ा है। और कहने को तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 आदेश प्रमोशन में रिजर्वेशन को किए हैं ए और बी को मिला के, लेकिन हमें समान अवसर नीति के तहत बराबरी मांग रहे तो वो भी देने के लिए हमें कोर्ट में इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि हमारे एक साथी की डेथ हो चुकी है, जो लोग नियुक्त हुए थे हमारे साथ वाले, इसके अलावा 3 लोग रिटायर हो गए हैं, 2 लोग हम लोग अब उनमें से बचे हुए हैं, इसके साथ रजिस्ट्रेशन चल रहा है। दूसरी बात कि सरकार नीतियां तो बहुत बनाती है, जनता के नज़र में हमारे लिए बहुत कुछ है। जनता तो ये प्राय कहती कह रही है आपको क्या, आपको नौकरी आरक्षण मिल गई, हमसे भी कहती है जी, आपसे भी कहती है, सबसे कहती है, सभी दिव्यांगों की ये दर्द है कि उनके साथ पहले वो बताते अरे आपको क्या, आपको तो नौकरी ऐसे मिल गई होगी, लेकिन वो उसके पीछे कितना दर्द, कितना संघर्ष, कितना अपमान सहना पड़ता है ये वो नहीं जानते। सबसे बड़ी समस्या क्या देखने में आ रही है कि एक पुरानी कहावत है, वो का जाने पीर पराई जाके पाँव न फाटे वे भाई। हमारे दर्द को जितना बढ़िया तरीके से हम बयान कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, वो उस दर्द से गुजरे बिना वाला शायद कम महसूस करता है या महसूस करना ही नहीं चाहता है जी। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लकीली हम उस प्रदेश में हैं जहाँ पहली बार अलग से दिव्यांग विकलांग कल्याण विभाग बना, और हम बड़े उत्साहित थे कि इससे शायद कुछ भला हो जाएगा, कुछ हमारे समस्याओं के समाधान में राहत मिलेगी, रास्ते साफ होंगे, क्योंकि तब एक समीक्षा अधिकारी हमारा काम देखता था, अब 3-3, 4-4 सेक्शन है इसके लिए, तमाम अधिकारी हैं। लेकिन वही वाली बात है कि जे वो फार्मूला मैं बताऊं आपको कि जिस तरह हर गरीब के घर पे गरीबी निवारण अधिकारी नियुक्त करने से गरीबी दूर नहीं होगी, उसी तरह से विकलांग कल्याण विभाग अलग से बनना हमारी समस्या के लिए बढ़ाने लायक हो गया, घटाया नहीं। सही बात है। अच्छा, इस पे कुछ आप अभी इस प्रतिवेदन में जो आपने दिया है, जो बात बता रहे थे, उस विषय में कुछ थोड़ा सा संक्षेप में जरा ज्यादा प्रकाश डालें जी।
ऐसा है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और पीडब्ल्यूडी में एक्ट में बेसिक अंतर मैं बता दूंगा आपको, पहले तो ज्यादा शायद हमें अपनी बात को स्पष्ट करने में आसानी होगी जी, कि पहले हमारी दिव्यांग जनों की 7 श्रेणियां हुआ करती थी, अब 21 श्रेणियां बना दी गई और उन 21 श्रेणियों में जो विशेष शिक्षा के पात्र लोग हैं, जैसे स्पीच थेरेपी से जो पढ़ते हैं यानी जिनको सुनाई नहीं देता जो बोल नहीं सकते और या जिनको दिखाई नहीं देता जो कम देखते हैं, इन लोग ये लोग स्पेशल एजुकेशन के पात्र होते हैं जी। इनको 1% अलग रिजर्वेशन दिया गया है और बाकी 2% में बाकी श्रेणियां हैं, ओएच की जो श्रेणियां थी पहले वो प्लस बौना है या एसिड अटैक वाले हैं या पैराडाइज हैं इस तरह के, बाकी लाइज क्या है वो भी आ गए हैं जो कुबड़े, जो कुबड़े तो है ही हैं, जो वो क्या कहते हैं जो जिनको समाज में मानते हैं तालिब शादीवादी में जाते हैं उनको क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है समझ गया, उनको कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर वाले उभय उभय लिंगीय लोग भी उसमें शामिल हो गए हैं जी, जी। तो अब इतने लोगों को शामिल कर लिया गया है, इतने लोगों को शामिल करने के बाद बड़ी उदारता सरकार ने दिखाई है कि हमने तो 24 के 21 लोगों को कर 21 लोगों को बढ़ा दिया और प्रतिशत भी बढ़ा दिया, क्या 3% को कितना कर दिया है 4% किया है लोक सेवाओं में, 1% बढ़ाने पे 18 कैटेगरी और बढ़ा दी गई, 3 कैटेगरी थी अब 18 कैटेगरी बढ़ा दी गई, तो वो तो खैर हम उसके लिए हम लोग भी आप सब लोग कर रहे हैं और लेकिन इसमें इस वाले में मैं बता रहा हूँ इसी को बोल रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि आरक्षण देने के लिए पदों के चिन्हांकन किया जाता है और हमारे विशेषकर मैं यूपी में काम करता हूँ यूपी की मुझे ज्यादा जानकारी है जी, ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि पदों के चिन्हांकन कर पाए कोई कोई ये बता पाए कौन से पद पे कौन से श्रेणी के किस दिव्यांग से काम लिया जा सके। और इसके पहले कि मैं इस पर विस्तार से जाऊं दो लाइनें मुझे और कहनी पड़ेगी कि जब विकलांग कल्याण विभाग में बता रहा था विकलांग कल्याण विभाग जब पहली बार बना था 14 करोड़ का बजट था, आज 3 साल पहले मैंने पता किया था 27,000 करोड़ बजट था, यानी कि बजट 200 गुना से ज्यादा बढ़ गया और पॉवर्टी एविडिएशन गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के अच्छे जो आच्छादित लोग हैं जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे के लिए हैं उनको 100 रुपये का पेंशन 500 रुपया हुआ है, 5 गुना बढ़ा है। सरकार तमाम कल्याणकारी बातों की बात करती है, मैं रिजर्वेशन पर अभी थोड़ी देर में आऊँगा इसलिए क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है। देखिए जो नौकरी कर रहे हैं उनका तो मान लीजिए सुविधाएं कम मिलेंगी चल जाएगा, लेकिन जिन्हें कर क्या खाएंगे ये सोचना है उनके लिए ज़्यादा दर्द का विषय बना हुआ है आज भी, क्योंकि जिसका लाठी झंडा और डंडे के बल पर करीब उन्होंने कार्यक्रम में आच्छादित लोगों को फायदा किया दर्द दिलाया जाता है जी, उस प्रथा में हम हमेशा पीछे हो जाते हैं जी। और जैसे आप उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि फ्री गैस कनेक्शन और गैस सिलेंडर्स मिलेंगे, लेकिन एक भी दिव्यांग हमारी जानकारी में अभी तक नहीं आया जिसको उन्होंने निःशुल्क सिलेंडर दिया हो दिव्यांग को, किसी भी दिव्यांग किसी भी श्रेणी के दिव्यांग। इसके अलावा इंदिरा आवास पंचायत के जो जमीन होते हैं उसमें आरक्षण है 5% का, APL कार्ड, BPL कार्ड, अंत्योदय कार्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं जिले में विकलांग बंधु समिति बनाई गई थी कि एक ही छतरी के नीचे सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी, वो तो मीटिंग ही नहीं होती कहीं कभी कभी किसी किसी जिले में हो जाती है उसमें, बल्कि आपको बताऊँ आश्चर्य की बात है कि उसको इस बार विस्तारित किया गया है, पहले SP साहब नहीं होते थे कमेटी में लॉ एंड ऑर्डर वाले, इस बार वो भी कमेटी में, वो भी कमेटी में है, न तो SP साहब आएंगे न तो जिलाधिकारी आएंगे, नहीं जिलाधिकारी तो खैर चेयर कर लेते हैं कई बार खिलियो या जिलाधिकारी चेयर कर लेते हैं, लेकिन चेयर अध्यक्ष तक पूछिए तो हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति जी होते हैं वैसे तो अध्यक्ष होगा जी, जो वास्तव में काम करने वाला है दिव्यांग या सशक्तिकरण अधिकारी उसके पास भी 3 पद होते हैं, लेकिन यूपी में आपको बताऊं 75 स्पेशल कोर्स हैं, हमारे पास सारे चीजों के एविडेंस चाहेंगे तो सबके मैं सबूत दूंगा जी, हर जिस जिले में 7 से अधिक न्यायालय हैं उसमें 7वां न्यायालय और जिस जिले में 7 से कम न्यायालय हैं उस जिले में
जो सबसे अधिक संख्या भार होगा वो न्यायालय को विशेष न्यायालय दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के संरक्षण के लिए नामित किया गया है। लेकिन कहीं कुछ हो भी नहीं रहा है और 75 में से एक कोर्ट में भी कहीं कोई ट्रायल नहीं चल रहा है इसके अगेंस्ट, नहीं चल रहा। अभी एक बड़ा चर्चा का विषय रहा है, मैं इस पर बाद में आना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत ज्वलंत समस्याएं और भी बच गई हैं जी, इस पर तो पूरा कार्यक्रम इसी पर हो जाएगा खाली। एक्चुअल में अभी भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो सुरक्षा से संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट में आरक्षण को से दिव्यांगजन के आरक्षण से उसको मुक्त कर दिया जाए। सवाल यह है कि सरकार खुद अगर अपने नियमों का पालन नहीं करेगी, अपने उल्लंघन करेगी, तो हम किससे उम्मीद करें, किससे किसके आगे रोए गए? नहीं, एक्ट में प्रोविजन यह है, एक्ट में नोटिफिकेशन का प्रोविजन तो है कि जिन पदों को दिव्यांगजन आरक्षण से बाहर किया जाना हो वो एक समिति को प्रस्तुत करके डिपार्टमेंट एग्जेम्पशन ले सकता है, ये व्यवस्था तो है। लेकिन ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रख्यापन के 2 वर्ष के अंदर होना चाहिए था, जबकि ये 21 में कर रहे हैं और 2017 में ये प्रख्यापित किया गया था, और भी यूएन कन्वेंशन के कंसेंट से इसको यहाँ भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस बात को बताया गया है जी, हमने ये कर दिया है जी। लेकिन ये नहीं बताया गया कि हमने कहीं एग्जेम्पशन से किया है, वो आज हो रहा है। तो ये सारे दर्द हम कहाँ कहें, किससे कहें? हम आज के डेट में जब किसान आंदोलन वालों से बात करने के लिए सरकार तैयार है, मैं आपको एक बात पर बताता हूँ, सरकार से नेगोशिएशन हमारा कैसे कम हुआ। इस एक्ट के लागू करने के लिए राज्य स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है जिसके मंत्री जी अध्यक्ष होते हैं, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के जो मंत्री हैं वो अध्यक्ष होते हैं, और सचिव दिव्यांग जन सशक्तिकरण या प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है सचिवालय में वो उसका मेंबर सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है। इस 4-5 वर्षों में कभी नहीं 2 मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा। एक ओम प्रकाश राजभर जी की अध्यक्षता में और एक अनिल राजभर जी की अध्यक्षता में, दोनों मीटिंगों के मिनट्स मेरे पास हैं। सबसे बड़ा मजाक जो उसमें देखने को मिला, पहली बात तो हमें सबसे बड़ी शिकायत है कि दृष्टिहीनों के किसी प्रतिनिधि को उसमें रखा नहीं गया है। हम लोगों को हमको कोई नहीं बुलाया गया, वो अपने ही विभाग और किसी व्यक्ति को बुला लेते हैं जो लोग नहीं OH श्रेणी से उन्होंने रखा है। अशोक द्विवेदी जी हैं, एडवोकेट अशोक द्विवेदी जी जो फैजाबाद के हैं, मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने उनसे फल खाएंगे ना, कटा के फ्रूट से खाएंगे, फ्रूट एक हाथ फल लेते हैं, चाय थोड़ा रुक जाएगी, हाँ चाय नहीं लेंगे। तो जो उसमें एक सवाल आया था कि काले विभाग से पूछा गया कि पदोन्नति 23 मिनट चलो 30 तक हो जाए, 7 मिनट पदोन्नति में आरक्षण है या नहीं, तो उन्होंने कहा अभी इस पर विभागीय मत स्थिर किया जाना है, जबकि प्रमोशन और सीधी भर्ती में रिजर्वेशन पहले भी था, आज भी है, और ए और बी के लिए कम से कम 3-4 जजमेंट, 3 जजों सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के पीठ ने भी इस पर अच्छे कमेंट्स कर रखे हैं। सरकार हमारे खिलाफ कोर्ट चली जाती है, लेकिन कोर्ट जो आदेश करता है उस पर कार्यकारी आदेश जारी करने में उसको 2 साल लग गए, तो इस पर कंटेम्प्ट नहीं करा जा सकता। देखिए सवाल यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, देखिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी लिमिटेशन होती है। अच्छा, इस चीज में अब इस बात को थोड़ा सा आगे विराम देते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सब चीजें जो दर्द जो वेदनाएं और जो सरकार की उपेक्षा के कारण आपने बताए जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि दिव्यांगों के जो प्रमुख संवर्ग हैं जैसे OH हैं, VH हैं जी, या अन्य और हैं जी, डेफेंडम हैं जी, इन लोगों को में सबके अपने अपने ढफली अपनी अपनी राग है और इनमें एकता नहीं है, और जो आपके VH वाले हैं या OH वाले हैं उनमें भी कम से कम हजारों हजारों संगठन बने हुए, हजारों हजारे एनजीओज बने हुए हैं, कुछ एनजीओ सामाजिक हैं, कुछ एसोसिएशन हैं, कुछ लोग हम अपने लोगों में गिरेबान में हाथ डालते हैं, मैं किसी स्पेसिफिक बात नहीं कह रहा हूं, वो लोग भी अपने दिव्यांग लोगों का शोषण कर रहे हैं,
दिव्यांगों से कहेंगे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, आप इतना पैसा दीजिए, आपको यहाँ पे नॉमिनेट कर देंगे, आपको यहाँ पे कर देंगे, तो इन सब चीजों के कारण हम लोगों की वो सरकार जानती है कि ये लोग एक जगह कभी आ नहीं सकते हैं, इसीलिए ये सब दिक्कतें हमेशा कभी सॉल्व नहीं होती हैं, और मुझको ऐसा लगता है कि सॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्या इस पे आपने कभी विचार किया है कि इसको एकता कैसे करी जाए? बात निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने उठाई, इस पर बहुत कुछ चिंतन किया हमने, लेकिन दो बातें कहूंगा, मर्यादित ढंग से कह रहा हूं, लेकिन एक शब्द ऐसा आया है जो कि मुझे बोलना पड़ेगा। कहावत कहा जाता है कि नेता और लड़की में एक समानता और एक विषमता होती है, तारीफ और तोहफे के दोनों ही भूखे होते हैं। लड़की कभी हाँ नहीं कहती, नेता कभी ना नहीं कहता। क्या बात है। तो नेतागिरी जहाँ सवार हो जाएगी, और देखिए ऐसा कि यहाँ हमारे क्षेत्र में काम करने वाले में माफिया, अगर मैं कहूँ एनजीओ माफिया तो गलत शब्द नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है कि हमारे लिए काम करने पर प्रोजेक्ट पर 90% एड मिलता है, यानी हम अगर 100 रुपया खर्चा बता दें तो 90 रुपया सरकार दे देगी, और ये बड़ा आसान सा काम है कि 50 रुपये खर्च करके आप 150 रुपये का खर्चा बता सकें। बिल्कुल सही। तो जब हम अलग अलग दुकान चढ़ा के नेता के भी पद कम होंगे। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति यह है, आपको बताएं, देखिए एक्ट की मंशा तो बड़ी अच्छी थी कि आपको भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को भी सारी कैटेगरी के वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को भी मेंबर बना के आपके विचार लेंगे, आप किसी सहमति के आधार पर नियम बनाएंगे और काम करेंगे, लेकिन वो जब जाते हैं मीटिंग में तो वो अपने ग्रांट की बात करते हैं। क्या बात है। बिल्कुल। ग्रांट एंड एड कमेटी में अपनी बात को मनवाने के लिए वो उन मूल्यों को त्याग देते हैं जो फंडामेंटल रूल्स के अगेंस्ट के सापेक्ष आते हैं। तो अच्छा, रही बात हमारी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि दिव्यांगजनों के, अभी आप बताऊं, इसको समझने के लिए इस विषय को, जो विषय अभी आपने उठाया, भारत में पहला यूनिवर्सिटी है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय जी, जो NCT, RCI और UGC तीनों से मान्यता प्राप्त है जी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे RPWH का जो सलाहकार परिषद बना है उसमें मेंबर उनके कोई नहीं है। वहां जब दिव्यांग जनों के एक्सपर्ट, जहां जनरेट करने वाले लोग हैं, वो एक्सपर्ट नहीं बन पा रहे हैं, तो हम सबको समाहित करने की नीति पर क्या विचार करें? मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये मैं शकुंतला विश्वविद्यालय से अगला इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, ये बात मैं उनके VC से पूछूंगा कि ऐसा क्या प्रयास अलग थे, ये तो उनका ही दादा है बेचारे, वो क्या बताएंगे, लेकिन ये ज्वलंत प्रश्न है। खैर, अब मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबा हो रहा, विस्तार हो रहा है, तो इसको मैं क्षमा याचना से वो करना चाहूंगा। अब थोड़ा सा ये बताएं कि आपने, आपकी दिव्यांगता, आप तो बहुत ही एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छा आपका सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा रहता है, आप प्रणम में हैं, आपको नमन करता हूं, लेकिन ये बताएं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा है, परिवार में कौन कौन है, परिवार में आपका विवाह कैसे हुआ, थोड़ा सा उस पर प्रकाश। ऐसा है कि चूंकि मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था, मेरा ये कहना था अपने परिवार से, मेरे परिवार में बिहार के रहने वाले, बिहार में जात पात ज्यादा है, आप इस बात को मानते होंगे, हमारे घर वालों की बंदिश थी कि हम जाति में विवाह करें, और मैं दिव्यांग क्षेत्र में था, इसलिए मेरा कहना यह था कि मैं दिव्यांगता से ग्रसित किसी साथी को ही अपना जीवन साथी बनाऊंगा जी। ऐसी स्थिति को देखते हुए कश्मकश चलता रहा, और 1984 में नौकरी करने के 6 साल बाद 1990 में हमारी वाइफ हाई स्कूल की परीक्षा देने गई थी, और आप जानते हैं कि बिहार नकल के लिए बदनाम है, वहाँ हमारे गांव के लड़के भी नकल कराने गए थे, वहाँ लोगों ने देखा और ये विचार दोनों का आपस में बन गया, और फिर मेरे गार्जियन से लोगों ने कहा कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो ठीक रहेगा, भैया ऐसा चाहते भी हैं और अपने बिरादरी की लड़की भी है और हर एक ठीक रहेगा। तो मेरी वाइफ 90% फिजिकली हैंडीकैप्ड है, एक पैर उनका खराब है, मेरा बायां अंग ठीक है, उनका दाहिना अंग ठीक है, इस तरह से हम लोग की जोड़ी जम रही है, और जैसे वो दोस्ती फिल्म के
जैसे ब्लाइंड और ओएस की जोड़ी है वैसी हमारी जोड़ी है, मेरे संग आए और मेरा दोस्ती मेरा प्यार जी, और हमारे दो बेटे हैं एक एमओक करके और अभी घर पे अभी कुछ कर नहीं रहा है क्योंकि कोरोना काल में कहीं भेजना उचित नहीं लगा, और एक बीसीए कर रहा है नेशनल पीजी से। अच्छा, दो बेटे हैं, बाकी अपनी कोई बेटी नहीं है, लेकिन मेरे एक छोटे भाई की पत्नी की डेथ हो गई थी, उनकी लड़की को मैंने कन्यादान करके नई बेटी बना लिया है। क्या बात है। और तो वो भी हमारे परिवार की हिस्सा हो गई है। बाकी परिवार में पिताजी 2015 में हमारा साथ छोड़ के चले गए, माताजी हैं, हम लोग की ज्वाइंट फैमिली है गांव में, लेकिन यह कि पापी पेट का सवाल है, इसके अलग अलग शहर में रहते हैं तो अलग अलग चूल्हा जलाना पड़ रहा है, अदरवाइज एक ही चूल्हे के खाते थे हम लोग। और मेरे पिताजी कोयले खान में नौकरी करते थे, और आज मतलब मैं यहाँ समीक्षा अधिकारी होकर के 18 महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाला हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं आज के साक्षात्कार के बाद ये कह सकता हूँ कि श्री गिरी जी के लिए ये पंक्तियाँ बिल्कुल फिट होगी, जिसपे कहा जाता है कि बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए हैं, बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं हमें जीना आता है, हम जिंदा दिल हैं हमें जीना आता है। इस जीने के जज्बात को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप ऐसे ही अपनी अपनी आवाज उठाते रहें हम सब लोगों के लिए, दिव्यांग समुदाय के लिए, दिव्यांग समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए। आपके हर कृतित्व को मैं प्रणाम करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।